हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। आज बहुत दिनों बाद आज चोटी बनाए हैं। बहुत दिनों से आजकल जूड़ा ही बना ले रहे थे। आज बाल धुले थे तो धुल के छत ही फिर थे, छत पे थे तो सूख गया था, तुरंत सूख गया था। तो अभी उसके बाद तो छत से आए, खाना खाए, फिर सो गए। आज दोपहर में सोए हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा के लगभग में सोए थे। अभी उठे तो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे थे। सो के उठो, अगर खुद से उठ जाओ तो ठीक रहता है, मतलब खुद से नींद खुल जाए तो। अगर कोई उठा देता है तो फिर भारी असर भारी भारी टाइप का हो जाता है। आज थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहे हैं, थोड़ा क्या मतलब ठीक ही है, अभी पूरा तो नहीं हुआ है। काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अभी आज कपड़ा लगा, मशीन लगाए थे, बहुत सारा कपड़ा था। ठंडी के दिन है, दो तीन दिन गैप करो अपने दिन में ही। सो मंगलवार से तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर कल थोड़ा बहुत ठीक लग भी रहा था, तो थर्सडे था तो फिर नहीं लगाया। आज भी शायद नहीं ये लगाते, हम कहते कपड़ा उपड़ा रख दीजिए, लेकिन ये मशीन लगा दिए सुबह सुबह। ये सोचे हम ही धुन देंगे और फिर सुबह ये लगा दिए, तो फिर इनका देर होने लगा। कह रहने दीजिए, फिर हम बाद में कर लेंगे। तो फिर धीरे धीरे दिन भर कपड़ा लगभग धुला है, क्योंकि वो माए 1 बजे तक तो उनका कपड़ा भी यूनिफॉर्म था। आज एग्ज़ाम उन लोगों का लास्ट था, तो वो भी लगा कि कल सैटरडे है, पता नहीं स्कूल मतलब नया फिर से पढ़ाई शुरू करना है, तो क्या पता खोले कि ना खोले। लेकिन मैसेज आ गया कि नहीं खुला है कल भी, और कल जाना भी होगा उन लोगों को, क्योंकि अब एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक भी दिन रेस्ट नहीं देते ये लोग, तुरंत लिखवाना पढ़वाना शुरू कर देते हैं नए कोर्स। तो फिर दोनों बच्चे कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, कल भी जाएंगे। हम कहे सैटरडे है और एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एक दिन रेस्ट ले लीजिए। तो दोनों कह रहे हैं नहीं, कोर्स छूट जाएगा, तो फिर जाना भी है उनको। कपड़ा धुल धुल के थक गए, आधा कपड़ा तो धुले तो मम्मी फैलाई, थोड़ा बहुत हम फैलाए, थोड़ा बहुत ओम भी फैलाए, सब लोग। अभी जा रही है मम्मी ऊपर लाने कपड़ा, आधा जो सूख गया था तो ला दिए थे, ओम ला के रख दिए थे, अभी पूरा ला के मम्मी रख देंगी। जो सूखा होगा वो भी, जो नहीं भी सूखा होगा तो आंगन में फैला देंगी, क्योंकि ओस पड़ के और ज़्यादा गीला हो जाता है। अभी जाना है, राशन रखना है, कल का राशन का सामान आके रखा है। अब ये सब चीज़ें तो मम्मी कर नहीं सकती है, कहाँ कहाँ रखना है ये मुझे ही पता है। तो अब फिर बैठेंगे, बच्चे तो खैर अभी खेलने गए हैं, जब बच्चे आएंगे तो बैठ जाएंगे हम, केवल डब्बा जितना मंगवाना रहता है। वैसे भी तबीयत नहीं भी ख़राब होती है तो मेरे बच्चे ही डब्बा ला के सब देते हैं, फिर ले जाके वहाँ रख देते हैं, केवल बैठ बैठ के निकाल देते हैं, सारे डब्बे में भर के रख देते हैं। तो वो सब काम बच्चे करेंगे। रात में सो नहीं पाते हैं ठीक से, तो सुबह परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, पहले देखें जो कपड़ा सूख गया है तो उसको फोल्ड करके रख दें, जो अभी गीला है उसको कल रखेंगे, फिर राशन का सामान का भी देखते हैं। कपड़ा का भंडार देखिए, इतना कपड़ा है
लगभग सब सूख गया है, कैसे फोल्ड होगा? ना फोल्ड करो तो फिर सिकुड़ने लगता है, और फिर ये भी रहता है ना कि पता नहीं पहनते समय प्रेस हो पाए ना हो पाए। ज़्यादातर ऊलेन चीज़ें ही हैं, इसके लिए भी मंगा के रखे हैं, इसका हुक मंगा के रखे ताकि पिन इसमें भी पर्दा लगा देंगे, लेकिन अभी जब से मंगाए तब से तबीयत ही खराब है, तो कहाँ से इसके लिए हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन जा रहे हैं। देखिए कोशिश करेंगे, कपड़ा धीरे धीरे जितना फोल्ड हो, फोल्ड करना नहीं रहता ना, फोल्ड भी करो फिर अपने अपने जगह पे लगाओ। यहाँ पे राशन का सामान भी आके रखा है, बोरे में भी चीनी रखा है और कुछ रखा है। आज तो अभी और कुछ आने वाला भी है, अभी आ जाए तब सोच रहे हैं आ जाए क्या, सबसे ज़्यादा बच्चे आ जाएं, बच्चे आए तो थोड़ा बहुत करवा देंगे, डब्बा ला ला के दे देंगे। हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन करना तो है, क्योंकि चूहा भी घर में घूम रहा है, अगर नहीं रखेंगे तो काटना शुरू कर देंगे सब। अब जाके काम ख़त्म होगा, मतलब काम क्या ख़त्म हुआ, राशन का सामान आधा रखे, अभी रखे तब तक फिर से राशन आ गया। राशन मतलब अब पैकेट वाली जो चीज़ें रहती हैं वो राशन कुछ बचा था तो वो आज आया है, जा रहे हैं किचन में जा रहे हैं। ये बचा हुआ था, कल बनाए थे आलू का पराठा तो उसका चोखा बच गया था, फिर आलू का पराठा बनाया या कुछ, तो मेरी हिम्मत अब नहीं है। और फिर खाने का भी होता है ना कि पूरे लोगों का होगा भी नहीं, तो लगा चलो इसमें सैंडविच ही बना देते हैं। देवजीत भी कर रहे हैं, बहुत दिनों से बोल भी रहे हैं, थक के तो कमर की मेरी बैठ बजी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कमर में, लेकिन अब सोच रहे इकट्ठा कर ले तभी जाके बैठेंगे, क्योंकि तो बैठने के बाद इतना नाश्ता बनाएंगे तो फिर लगता नहीं है, थोड़ा बहुत एक कद्दूकस रोटी जिसको खाना होगा खाएंगे, तो अब वो बाद में मम्मी बनाएंगी। एक बार का सैंडविच बन गया, एक बार क्या दो बार का बन गया है, चलते हैं पहले दे ये, और बच्चे दोनों लोग खाएंगे, इसी में से खाते रहेंगे क्योंकि धीमे धीमे बनता है ना, तो फिर बनता भी रहेगा और गरम गरम अच्छा भी लगता है। सबको देने के बाद अपना भी लेके आ गया, बहुत थक गया, फाइनली बहुत हो गया। अब ये था कि बना रहे हैं तो सबको खिला दे, सब लोग खा लिए, गरम गरम खा लिए सब लोग, अपना लेके आ भी गए। चाय मम्मी चढ़ाएंगी क्योंकि मेरी अभी हिम्मत नहीं है चाय बनाए, खड़े हुए वहाँ पे वो उधर देखिए टाइपिंग कर रहे हैं, लगे हुए अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस, काफ़ी इनकी अच्छी हो गई है टाइपिंग। रोज़ रोज़ तो होता ही है ना, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करो तो थोड़ा बहुत तो बेटर हो ही जाता है। इधर बीच एग्ज़ाम की वजह से बहुत दिन से छूट गया था, तो आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो आज टाइपिंग कर रहे हैं। खाली गरम गरम है, नाश्ता हो गया, नाश्ता का मेरा तो खाना भी हो गया, मेरा भी हो गया, ओम भी बोल रहे हैं, देव भी बोल रहे हैं, मेरी मम्मी भी बोल रही है नहीं खाएंगे। अब बस बच गया ये, अभी ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इनका भी थोड़ा सा दाल चावल भी रखा हुआ है तो नहीं लगता कि फिर इनको भी खाना होगा। चाय मम्मी अभी बना रही हैं, अरे काफ़ी थक गए हैं, जा रहे पहले कपड़ा चेंज करेंगे फिर लेटेंगे। अब जो भी मुझे चाहिए अब मांग मांग के लेंगे, मतलब चाहिए क्या, दवाई खाना होगा, फिर गर्म पानी ये वो सब, अभी नहीं लोगों के भरोसे रहेंगे, ये देंगे तो ओम ला के, सारा सामान वान तो कुछ भी लेना रहता है तो ओम ला के दे देते हैं।
के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अभी रेगुलर नहीं आ रहा है वीडियो क्योंकि एक तो काम इतना स्लो करते हैं ना कि फिर मन नहीं करता कि कैमरा उठाएं और फिर बनाएं, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो कैसे भी काम करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।